से स्वागत करती हूँ। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है राफेल विमान, जो कि भारत लंबे समय से कम 10 वर्षों से इसे पाने की कोशिश कर रहा था। यह कोशिश अब जो इंतजार है यह खत्म हो चुका है। अब राफेल विमान फ्रांस से चला हुआ है और कल बुधवार को यह विमान भारत में पहुंच जाएगा। तो राफेल विमान के बारे में डिटेल से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि इस विमान की ऐसी क्या विशेषता है जो भारत इसे 10 सालों से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था? ऐसा है, जो राफेल विमान है, इस समय जो दुनिया में विश्व में जितने भी लड़ाकू विमान है उनमें से सबसे आधुनिक प्रणाली से लैस, इवन की उस पर परमाणु से जो मिसाइल होती है उसका भी उस पर असर नहीं होता, और वो दुश्मन को स्वयं ठिकाने ढूंढता है दुश्मन के लिए। उस पर अगर कोई भी टारगेट फिट कर दिया जाएगा तो उस टारगेट को वो ढूंढकर उस टारगेट को नष्ट करता है। वास्तव में राफेल विमान जो है फ्रांस की जो कंपनी बनाती है, और भारत पिछले 10 वर्षों में जब कांग्रेस की शासन था तो तब भारत की बातचीत चल रही थी, लेकिन वो एक राफेल विमान कितने का होना चाहिए उसको लेकर वो निर्धारित नहीं हो पाया। मोदी सरकार जब आई 2014 में तो उन्होंने राफेल विमान को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक समझौता किया, और उसी समझौते के तहत यह राफेल विमानों की पहली जो खेप है जिसमें 5 विमान हैं। कल फ्रांस से ये विमान भारत के लिए वहाँ से उड़े थे, और कल शाम को वो यूएई अबू धाबी के एक एयरपोर्ट पे आके रुके, और वहाँ से वो चलकर कल सुबह अंबाला एयरपोर्ट पे इनको तैनात किया जाएगा। और भारत की सामरिक शक्ति के लिए यह जो राफेल विमान है अति महत्वपूर्ण विमान है। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि भारत में अब से पहले राफेल लड़ाकू विमान से पहले और कितने लड़ाकू विमान हैं? ऐसा है, भारत के पास वैसे कई जो है लड़ाकू आधुनिक लड़ाकू विमान है, लेकिन उनमें से सबसे जो आधुनिक विमान है वो सुखोई ही है। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता होगा, पिछले वर्ष जब पुलवामा में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था और भारत ने बालाकोट पाकिस्तान में जाके हमला किया था, तो वो सुखोई विमानों ने वहाँ पे बालाकोट में जाकर हमला पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला करके और वापस आए थे। अब जो भारत के पास सबसे आधुनिक विमान था वो सुखोई विमान था। राफेल और सुखोई में अंतर ये है, भारत को सीमा पार करनी पड़ी सुखोई विमान को, हालांकि भारत के जांबाज जो सैनिक हैं उन्होंने उसको सफलतापूर्वक किया। अगर उस समय भारत के पास राफेल होता तो राफेल जो है वो 100 किलोमीटर दूरी से उस टारगेट को भेज सकता है, उस पर हमला कर सकता है, तो भारत को शायद पाकिस्तान के अंदर ना जाना पड़ता और भारत जो है सीमा से अपनी सीमा के अंदर रह के राफेल से वो हमला कर सकता था। तो यह अंतर है राफेल और सुखोई में। इसके अतिरिक्त भारत के पास मिग विमानों की एक पूरी जो है पलटन है, जो वास्तव में मिग 21 से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद मिग 23 आया, मिग 27 आया, और उसमें मिग 29 विमान जो हैं वो सबसे आधुनिक विमान भारत के पास हैं। इसके अतिरिक्त मिराज हैं, और अभी भारत ने अपना स्वयं का विमान तेजस, पिछले साल तेजस को भी भारत ने बनाया है, जो वास्तव में ट्रेनिंग विज्ञान जो एक छोटा ट्रेनी विमान है। तो ऐसे भारत की वायुसेना के पास विश्व की आधुनिक वायुसेना भारत के पास है, लेकिन राफेल इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान को F-16 विमान अमेरिका ने दे रखे थे, जब अमेरिका अफगानिस्तान में उलझा हुआ था तो उसके नाम पे उसने अपने आधुनिक विमान दिए थे, और ये राफेल विमान जो है F-16 विमान से भी ना केवल टक्कर ले सकता है, बल्कि ऐसा माना जाता है वायुसेना में एक राफेल को रोकने के लिए 2 F-16 चाहिए, तो ऐसे में मतलब दुगनी शक्ति का ये विमान है। जैसा कि सर, भारत के दुश्मन देशों के
में से दो देशों के नाम आते हैं। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान था दुश्मन देश, तो लेकिन अब चीन भी भारत को आंखें दिखाने लगा है। तो क्या राफेल विमान के आने के बाद अब भारत समर्थ हो पाएगा उनसे लड़ने के लिए? क्या रक्षा के मामले में हम क्या कह सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता। हालांकि जैसा कि बालाकोट के, जब बालाकोट में हमला हुआ था, तो उसके दूसरे दिन पाकिस्तान के F-16 विमानों ने भारत पे हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भारत के जो जाबाज सैनिकों ने MiG-21 से ही उन्हें रोक लिया था। लेकिन अगर राफेल होगा तो वो भारत की तरफ हमला करने की कोशिश ही नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान की तो ये बात है। वहीं चीन के पास भी जो विमान है उनसे भी ये आधुनिक विमान है। चीन के पास FJ-17 नाम का एक विमान है जो आधुनिक विमान है, लेकिन उससे भी ये शक्तिशाली विमान है। और इस विमान के राफेल को इसीलिए अंबाला, जो अंबाला एक हरियाणा का और चंडीगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है, और अंबाला एयरपोर्ट पे इसको तैनात किया जा रहा है। अंबाला से पाकिस्तान की जो हवाई दूरी है वो केवल 150-200 किलोमीटर के बीच है, और चाइना भी उसके नज़दीक पड़ता है। और इसकी स्पीड जो है 14,000 किलोमीटर की स्पीड पे ये चल सकता है। ये परमाणु जो बम है, वो जो मिसाइल लगी होती है, उनको भी लेके जा सकता है। तो ऐसा जो विमान है राफेल, वो भारत के लिए, और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि जो चीन है, चीन और भारत के बीच में 30,000 फुट ऊंची पहाड़ियां पड़ती हैं। अभी जैसे लद्दाख में 16,000-18,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर हमला कर सकता है। तो निश्चित रूप से भारत के लिए राफेल एक बहुत बढ़िया विमान भारत को मिला है, और कल ये 29 जुलाई को अंबाला पहुंच जाएगा। और क्योंकि भारत किसी पे हमला नहीं करता, लेकिन दुश्मन देशों को जब इसका जानकारी अब मिल रही है, अभी राफेल भारत के पास आ गया है, तो वो भी भारत पर हमला करने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था, कमजोर कभी भी शांति नहीं दे सकता, ताकतवर ही शांति दे सकता है। तो भारत को ताकत मिलेगी, और राफेल का हम इसका स्वागत ही करते हैं, और भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी। धन्यवाद सर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दुनिया भर की नई खबरों के लिए। नमस्कार। नमस्कार।